iPhone 15 एंड Google Pixel 8 दोनों फोन्स जो है शुरुआती वेरिएंट है अपने अपने लाइनअप की, और यहाँ पर इंडिया में देखा गया है कि यही लाइनअप सबसे ज्यादा बिकने वालों में से है। तो भाई पेशे खिदमत है इन दोनों ही फोन्स का कैमरा कंपैरिजन। अगर आप देख रहे हैं करीब 75,000 से 80,000 रुपए के बीच में बेस्ट कैमरा फोन, तो ये दोनों फोन्स आपके माइंड में जरूर होंगे। और आज की वीडियो में आपकी कंफ्यूजन हम इन दोनों फोन्स को लेके दूर करेंगे कि भाई इन दोनों में से बेस्ट कैमरा आपके लिए कौन सा रहेगा। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं कैमरा कंपैरिजन की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशन बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस बार दोनों ही फोन्स में कंपनी ने नए कैमरा सेंसर डाले हैं। इनफैक्ट इस बार iPhone 15 का जो कैमरा सेंसर है वो आपको बेटर पिक्चर्स निकाल कर देता है स्लाइटली iPhone 14 Pro से भी। और वहीं दूसरी तरफ Google Pixel 8 और 8 Pro में आपको सेम प्राइमरी सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी ने कोई भेदभाव नहीं रखा है इनके स्टार्टिंग वेरियंट और फ्लैगशिप वेरियंट में, तो ये चीज बहुत अच्छी है। नाउ अब डालते हैं दोनों ही फोन्स के स्पेसिफिकेशन पे नजर। नाउ स्पेक्स का मामला दोनों फोन्स में बिल्कुल सीधा सीधा है। iPhone 15 में मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वहीं पिक्सल 8 में आता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। फ्रंट में आपको आईफोन में मिलेगा 12 मेगापिक्सल का सेंसर और वहीं पर पिक्सल 8 में मिलेगा आपको 10.5 मेगापिक्सल का सेंसर। एक चीज फ्रंट कैमरा में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आईफोन 15 में ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा मिलता है और वहीं पर आपको फिक्स्ड फोकस सेल्फी कैमरा मिलता है पिक्सल 8 में। नाउ बात करते हैं दोनों ही फोन से डेलाइट शॉट्स की। दोनों ही कैमरा तगड़े लेवल की डिटेल्स देते हैं। पिक्सल की पिक्चर क्वालिटी लीन होती है टुवर्ड्स ओवर शार्पनिंग। कुछ जगहों पर तो काफी स्टनिंग आउटपुट देता है बट कुछ जगहों पर स्लाइटली ओवर पॉसेज लगता है, बट ज्यादातर पिक्चर्स न्यूट्रल एंड लेस वाइब्रेंट लगते हैं। ऑन द अदर हैंड आईफोन 15 का कैमरा इस मामले में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकाल कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिक्सल 8 का जो प्राइमरी कैमरा है वो कुछ कम है। पिक्सल नेचुरल पिक्चर्स लेता है जो काफी लोगों को पसंद भी आता है। रही बात HDR शॉट्स की, तो यहाँ पर आपको दोनों की प्रोसेसिंग काफी बढ़िया मिलती है। शेडोज में कहीं कहीं पर पिक्सल ने ज्यादा डिटेल्स निकाली है, वहीं आईफोन हाईलाइट को सही से मैनेज कर रहा है। बाकी आपको कौन सी सही लग रही है HDR प्रोसेसिंग वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि दोनों स्मार्टफोन में आपको कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप डिजिटल जूम करके पिक्चर कैप्चर करते हैं तो आपको काफी बढ़िया क्लैरिटी मिलती है। आईफोन में आपको कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के चलते अप टू 10x जूम मिलता है, वहीं पिक्सल 8 में मिलेगा आपको 8x जूम। और दोनों ही फोन्स में जूम के बाद भी डिटेल्स कमाल की है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको एक स्लाइटली एडवांटेज मिलता है 10x का आईफोन 15 में, जो कि डिजिटल जूम ही है। रही बात अल्ट्रा वाइड शॉट्स की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में कलर वेरिएशन नहीं देखने को मिलेंगे, चाहे आप 1x में खींचे या फिर 0.5x में। दोनों में डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं है बट पिक्सल के इमेजेस स्लाइटली ज्यादा कॉन्ट्रास्टी और स्लाइटली शार्प भी है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है पिक्सल 8 का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो ज्यादा डिटेल लगे। बाकी लेंस डिस्टॉर्शन वगैरह आपको बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे दोनों के अल्ट्रा वाइड शॉट्स में। रही बात ह्यूमन शॉट्स एंड पोर्ट्रेट्स की, तो यहाँ पर दोनों में साफ फर्क नजर आता है। वो कहते हैं कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं भाई, एक को बहुत ही चमकदार पिक्चर चाहिए होती है और दूसरी तरफ एक को बिल्कुल नेचुरल पिक्चर्स। तो यहां पर एकदम वही एग्जांपल नजर आएगा। आईफोन स्किन टोन्स को हमेशा से स्लाइटली थोड़ा सा वार्म और हल्का सा सॉफ्ट कर देता है, जिसके चलते लोगों को ज्यादातर आईफोन की पिक्चर्स पसंद आती है। वहीं पर पिक्सल ने स्ट्रक्चर्स काफी बढ़ा दिए हैं चेहरे पे और वहां पर थोड़ा सा शैडोज में डिटेल्स की भी कमी महसूस होती है, क्योंकि ओवरऑल एक्सपोजर लेवल आपको स्लाइटली थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन नेचुरल पिक्चर कहा जाए तो मैं कहूंगा इन दोनों के बीच का है। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट शॉट्स, तो यहां पर आपको दोनों में कमाल की डिटेल्स मिलती है विद गुड एज डिटेक्शन इवन इन कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस। आईफोन में एज डिटेक्शन स्लाइटली बेटर है, इवन यहां पर आपको हेयर के अराउंड फेदरिंग काफी सही मिलती है। यहाँ पर आप बालों को देख पाते हैं जो अलग से निकल कर आ रहे हैं। वहीं पिक्सल ने स्लाइटली ज्यादा एग्रेसिव एज डिटेक्शन रखा है, जिसके चलते जो बाल है अलग से निकल कर आते हैं उसको बिल्कुल सपाट कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स हो सकती है। रही बात सेल्फी की, तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया आईफोन में ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा मिलता है और पिक्सल में फिक्स फोकस, जिसके चलते आपको नेचुरल बोके स्लाइटली आईफोन में बेटर मिलती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पिक्सल की इमेज खराब है, यहाँ पर आपको दोनों में काफी सही पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। बस जो फर्क आता है वो है स्किन टोन्स का और स्लाइटली थोड़ा सा प्रोसेसिंग का। और मुझे यहां लगता है कि पिक्सल के जो सेल्फी कैमरा है उसमें स्लाइटली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको एडिट करना है तो वहां पर आपको रूम मिल जाता है पिक्सल में, लेकिन आईफोन में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आराम से सोशल मीडिया में डाल सकते हैं। रही बात लो लाइट शॉट्स की, तो इस बार आईफोन 15 के बड़े सेंसर के चलते आपको पिक्चर्स काफी सही नजर आती है। आई मीन स्लाइटली ज्यादा वाइब्रेंट है बट डिटेल्स भी सही से पिछले आईफोन के मुकाबले कैप्चर कर रहा है। बट पिक्सल 8 ने कुछ ज्यादा ही बढ़िया प्रोसेसिंग
बैटरी की है। यहाँ पर आपको iPhone 15 के मुकाबले ज्यादा डिटेल्स मिलते हैं, साथ ही जो कलर टेम्परेचर वगैरह है उसको सही से मैनेज किया है पिक्सल ने। बट आईफोन के पिछले जनरेशन के मुकाबले आईफोन 15 में आपको काफी बढ़िया लो लाइट पिक्चर्स मिल जाता है। तो भाई ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही फोन्स काफी टक्कर के इमेजेस निकाल कर देते हैं। और देखा यह भी गया कि आईफोन जो नए सेंसर आते हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स निकाल कर देता है, और गूगल भी ये करता है। तो आने वाले टाइम में और इंप्रूवमेंट मिलेगी अभी जो आपने कैमरा सैंपल देख रहे हैं उनसे। एंड नाउ बात करते हैं रील्स शॉर्ट्स एंड वीडियो वाली दुनिया के बारे में, जिनको वीडियो बहुत पसंद है और वीडियो ज्यादातर शूट करते हैं, तो ये पार्ट उन्हीं के लिए। यहाँ पर दोनों ही फोन जो है 4K 60fps में मैक्स शूट कर सकते हैं, और यहाँ पर दोनों ही फोन्स में कैमरा रिकॉर्डिंग करते समय आप कैमरा स्विच भी कर पाएंगे। अब कैमरा स्विचिंग नो डाउट आईफोन का फ्लॉलेस है। यहाँ पर आज तक कोई एंड्रॉयड फोन नहीं हुआ है जिसमें आपको इतना बढ़िया स्मूथ ट्रांजिशन मिलता है बिटवीन लेंसेज, और यहाँ पर भी आपको वही चीज मिलती है। पिक्सल के मुकाबले आईफोन का जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी बेटर मिलता है, इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक रेंज ले लीजिए, इन टर्म्स ऑफ कैमरा स्विचिंग ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको आईफोन 15 में बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू पिक्सल 8। तो भाई ये है इन दोनों ही फोन्स का फ्रंट कैमरा, और यहाँ पर आप दोनों ही फोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60fps में, और कुछ इस तरह की आपको क्वालिटी मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन से। यहाँ पर डिस्प्ले क्योंकि आईफोन का ज़्यादा ब्राइट है डे लाइट में भी अगर आप देखें तो, और इसके कारण मुझे विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर लग रही है, लेकिन एग्जैक्टली जो है पीसी में जाकर पता चलेगा। बाकी आप बताओ कि आपको क्वालिटी कैसी लग रही है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं तेज़ चलकर दिखाता हूँ कि क्वालिटी आपको, थोड़ा सा भाग भी लेता हूँ कि भाई स्टेबलाइजेशन आपको कैसी मिलती है। तो मुझे तो स्लाइटली बेटर लग रहा है पिक्सल स्टेबलाइजेशन के मामले में अभी तो, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो इसके पीसी में जाकर ही पता चलेगी भाई क्वालिटी क्या मिल रही है। तो बाकी ऑडियो के मामले में भी आप देख लेना कि ऑडियो क्वालिटी कैसी मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो ऑडियो इस वक्त सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है पिक्सल से, और इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है आईफोन से। एंड फाइनली बात करते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरा फीचर्स के बारे में। आपको गूगल पिक्सल 8 में काफ़ी भर भर के AI फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इनका फेस स्वाइपिंग फीचर हो गया, जिससे कि आप मान लीजिए आपने बहुत सारे पिक्चर लिए, यानी कि ग्रुप में किसी एक बंदे का काफ़ी अच्छा पिक्चर आ गया है, दूसरे का मुंह इधर उधर होता या फिर आंखें बनती, तो आराम से आप फेस स्वैप कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में गूगल फोटोज़ में भी ये फीचर शायद आ जाए। बाकी उसके अलावा आपको काफ़ी सारे और एडिशनल AI फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको आईफोन में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ जैसे कि मैंने बताया आपको अगर वीडियोस बहुत खींचने हैं तो उसके लिए आईफोन है। बाकी कैमरा के हिसाब से आपको पिक्सल 8 भी जबरदस्त क्वालिटी देता है। एक और एडिशनल एडवांटेज है, यहाँ पर आपको पिक्सल 8 में प्रो मोड भी मिल जाता है, इन टर्म्स अगर आप वीडियो भी लेते हैं और आप अगर फोटोज भी लेते हैं तो उसमें भी आपको प्रो मोड मिल जाएगा। तो आप अगर प्रो मोड में बहुत खींचते हैं तो उसके लिए आपको गूगल पिक्सल 8 काफी बढ़िया लगेगा। तो भाई इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको सिर्फ कैमरा फोन चाहिए जिसमें बढ़िया पिक्चर्स आ जाएं और प्रोमोड वगैरह का इस्तेमाल करना है और AI फीचर्स चाहिए, तो भाई आपके लिए गूगल पिक्सल 8 है। बाकी उसके अलावा सभी चीज़ों के लिए मैं कहूँगा आईफोन 15 आपके लिए, अगर आपको वीडियोज़ बहुत शूट करने हैं और साथ ही आपको बढ़िया परफॉर्मेंस भी चाहिए, यानी कि आईफोन 15 एक सेफ ऑप्शन है अगर आप इन दोनों फोन से बीच में कोई लेने की सोच रहे हैं तो। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कौन सा बढ़िया लगा फोन और आप किसके तरफ जाना चाहेंगे नीचे कमेंट में लिखना जरूर, और क्यों जाना चाहेंगे वो जरूर लिख देना, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसके पीछे रीजन क्या है। ऑलराइट, तो मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।